इसकी कल है छुट्टी, संडे है क्योंकि, तो अब ये आज हमारे घर रुक रहा है। क्यों हर रोज तू हमारे घर आ जाता है इडियट फूल? सुबह के 9:30 बज रहे हैं और कल वाले व्लॉग में मैंने आपको रात को बताया था कि एक भाई हमसे पीसी लेने आए थे, तो उनका पीसी तो मैंने बिल्ड कर दिया था क्योंकि रवि भाई थे नहीं, बट वो बायोस अपडेट वगैरह करना है, तो इसलिए रवि भाई ने कहा था मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा, और वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। उन्होंने 9 बजे का कहा था और अभी कितने 9:50 हो गए, सॉरी। तो फटाफट से जा रहा हूँ मैं अभी स्टोर पर, और उन्होंने कहा वो वहीं पर मिलेंगे, उनका पीसी बिल्ड करके फाइनल करके फिर मैं निकल जाऊँगा। 11 बजे तक अभी ना आ जाएगा क्योंकि तो मेरा 1 ही घंटे का काम है। आज बहुत हेक्टिक डे होने वाला है, छोटे छोटे इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं ना, मैंने सोचा फिर आज सारे यार वो निपटा ही दूँ। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 17 अप्रैल 2021, मैं हूँ अभी गुड़गांव में। आज मौसम सही है, कल तो बारिश हुई है काफ़ी, लेकिन आज धूप भी हो रही है उतनी, मतलब सुबह के लगभग 10 बजे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है इस साल, मेरे को लग रहा है तांडव पटने वाला है जून जुलाई में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और शुरू भी इस बार जल्दी हो गई थी गर्मियाँ, तो सोच लो जब पीक सीजन होता है गर्मियों का उस वक्त तो क्या ही हालत होगी अपनी। ऊपर से कोविड भी बढ़ता जा रहा है, हर रोज इतने लाखों में केसेस आ रहे हैं, तो यार मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा बाहर घूमो फिरो मत, मेरे को काम पड़ता है मैं तभी निकलता हूँ ज़्यादातर, तो वैसे घूमने फिरने आपने मुझे बहुत कम ही देखा होगा इधर उधर जाते हुए, और मैं इंटरनेशनल ट्रैवल भी नहीं कर रहा, इंटरनेशनल छोड़ो अब तो कुछ महीने में डोमेस्टिक ट्रैवल भी नहीं करने वाला लॉकडाउन की वजह से, आधी जगह लॉकडाउन हो चुका है, कुछ जगहों पे वीकेंड में है। तो प्लीज़ मास्क पहनो, क्योंकि डर ना एक हिसाब से सबका निकल चुका है कोविड को लेकर, तो डर की वजह से पहले लोग पहनते भी थे, बट अब डर नहीं है, अब लोग मास्क इसलिए पहनते कि चलान ना हो जाए बस, बट थोड़ा सा डर हो भाई वापस से जो केस बढ़ते जा रहे हैं इतने। प्रॉपर मास्क पहनो, अपना सैनिटाइजेशन करो। शुरू में ना जब सैनिटाइज़र आया था ना हमारे घर में, तो हर बार हम हर रोज़ 10-10 बार यूज़ करते थे, और अब वो सैनिटाइज़र की जो कैन है ना वो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है साइडों में। आई नो सबके घर में यही हाल हो रहा होगा, बट भाई निकालो उनको वापस से, दिन में हाथ धोया करो अच्छे से, सैनिटाइज़ किया करो, बहुत दिक्कत हो जाएगी, वरना सेकेंड वेव कुछ ज़्यादा ही केसेस लेकर आ रही है। अरे आज तो स्टोर के बाहर जगह है, मतलब आज सुबह भी ना मिलती ना तो फिर क्या ही ज़िंदगी हो जाती अपनी, मतलब 10 बजे भी भरी गई है ऑलमोस्ट। वैसे ये देखो 2 पार्किंग खाली पड़ी है बस। चलो भाई वो तो आई नहीं अभी तक रवि भाई, 10:10 हो चुके हैं ऑलरेडी। लाइट ना कल शाम से जब से तूफान आया था ना, ना तो मेरे मम्मी पापा वाले घर में आई, ना फ्लैट में आ रही है। आज तो फ्लैट में पानी भी नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा है आज मोटर चल नहीं पाई तो टंकी अभी खाली होगी होगी, और स्टोर पे भी लाइट नहीं है, तो इन्वर्टर ही हमारा एकमात्र सहारा है तीनों जगह, इसलिए फटाफट से काम निपटाना पड़ेगा आज का यहाँ का, क्योंकि अगर इन्वर्टर भी बोल गया ना 1-1.5-2-3 घंटे में तो फिर तो कुछ भी नहीं होना। पीसी ये रहा वो भाई का पूरा बिल्ड हो चुका है, केबल मैनेजमेंट रह गई, विंडोज़ जो है वो डलेगी और बायोस अपडेट होना है बस। एक पीसी बिल्ड का ऑर्डर ये आया हुआ है 1650 का, रवि भाई ये आज पूरा बिल्ड कर देंगे। बाकी कुरियर तो निकल ही चुके हैं जितने कीबोर्ड माउस वगैरह के ऑर्डर आए हुए थे, 2-3 पैकेट ही बचे हैं लास्ट। 2 पीसी ना अब और बचे हैं, तो वो पीसी भाई कोई इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से ले लेना। एक है 3200G वाला GTA 5 पीसी जो बहुत सस्ता है, अराउंड 30-31 हज़ार रुपये में आपको GTA 5 चला के दे देगा, उसका लिंक मैं डाल दूंगा पहला। और एक है भाई 1660 सुपर वाला जिसमें हम Ryzen 5 3600 लगा रहे हैं, यूट्यूबर्स के लिए बेस्ट पीसी है ये, कुछ 80-85 हज़ार के बजट के आसपास का, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीसी का, तो फटाफट से ले लेना जिसने लेना हो। इसके अलावा काफ़ी टाइम से लोग प्लेस्टेशन 3 के बारे में पूछ रहे थे, तो ये सेकेंड हैंड प्लेस्टेशन 3 है स्लिम वेरियंट, और इसमें 500 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, गेम्स लोडेड है, बाकी आप जितनी मर्जी अपनी मर्जी की भी कहीं बाहर से चांदनी चौक वगैरह से डलवा सकते हो, सारी वायरिंग है, HDMI केबल मिलेगी साथ में, और एक कंट्रोलर है, सारे बटन चलते हैं इसके। इस प्लेस्टेशन 3 के बारे में ना बहुत टाइम से मेरे से लोग पूछते रहते हैं, ईमेल करके ही पूछते रहते हैं कि जो पड़ा हुआ स्टोर पे वो कितने का है, क्योंकि हमारे पास उस वक्त 3 पीस आए थे, ये 2 बिक चुके थे और एक ये इसलिए नहीं बिका था क्योंकि इसका कंट्रोलर जो है पुराने वाला वो ख़राब हो गया था, तो ये मैंने फिर दूसरा कंट्रोलर ला के दे दिया इसमें। इसका जो प्राइस है वो है 9,500 रुपये अगर आप स्टोर से लेते हो, वेबसाइट पे ही मैंने वैसे लिस्ट कर दिया क्योंकि मुझे पता है ये डलते ही वीडियो पक्की बात है बिक जाएगा, बहुत लोग काफ़ी टाइम से पूछ ही रहे थे, तो अगर आप स्टोर पर आने का भी ले रहे हो ना तो उससे अच्छा आप वेबसाइट से ले लो, ताकि
ऐसा ना हो कि स्टोर आने के चक्कर में आपके हाथ से निकल जाए डील, और अगर वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हो तो 9500 प्लस में डिलीवरी लगेगी, वो डिपेंड करता है आप कहाँ कहीं भी रहते हो। हाँ, लेकिन अगर आपने वेबसाइट से ऑर्डर कर दिया ना और आप चाहते हो कि स्टोर पे आके पिकअप करो तो वो भी हो सकता है, तो आपके वो डिलीवरी चार्जेस बच जाएंगे। 9500 में आपको गेम्स लोडेड वाली प्लेस्टेशन 3 स्लिम मल्टीमैन डला हुआ है इसमें, वो दूसरे वाला नहीं है, मल्टीमैन बहुत फास्ट होता है, जिनको नॉलेज है इस चीज़ की उनको पता होगा, तो वो भी ले सकता है। इसके अलावा एक प्लेस्टेशन 2 भी है, वो भी दिखा देता हूँ। और हाँ, यहाँ पे हमने टीवी लगा रखा है, तो जो लोग स्टोर पे आएंगे उनको हम अच्छे से टेस्टिंग करके दे देंगे, वो 15-20 मिनट खेल के अपना देख लो कि प्रॉब्लम तो नहीं है सेट में कोई। वैसे तो नहीं है, हम भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे रखे ही हुआ है, तो ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी सेकंड हैंड चीज़ है तो आपको पता ही है, वारंटी तो इसकी कुछ भी नहीं मिलती। और अगर आप वेबसाइट के थ्रू खरीदोगे ना, इंडिया में कहीं भी रहते हो, आपको डिलीवरी मिल जाएगी, और यहाँ से पैक करने से पहले ना आपको वीडियो कॉल पे या फिर एक वीडियो बना के चेक करके आपको भेज देंगे कि बिल्कुल चल रही है, गेम्स लोडेड है इसमें। ज़्यादा गेम्स नहीं है पर, बट 500 GB में आप 20-25 गेम्स डलवा सकते हो आराम से कहीं से भी। हमारे पास है नहीं डालने का कोई भी ऑप्शन, वरना आपकी मनपसंद की डाल देते। ये आपका रोल बाग या चांदनी चौक में जाके आराम से डलवा लो, या फिर ऑनलाइन भी घर पे अगर नेट लग रहा है अच्छा खासा तो अपना डाउनलोड करके नॉर्मल इसकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से इसमें कॉपी मार दो। तो भाई ऑफिस तो भाई रवि भाई आ चुके हैं और पीसी हो गया, बिना बायोस के चल गया। एक वायर निकली पड़ी थी, कौन सी थी ये? सीपीयू पावर की, तो ये वाली लगानी थी वायर, और थोड़ी देर बाद जो है वो बूट हो गया है। अब विंडोज इंस्टॉल करनी है। भाई अपने आ चुके हैं बिल्कुल टाइम पे, केबल मैनेजमेंट रह गई है और फिर पीसी लेके यहाँ पर यूपीएस भी पड़े हुए हैं, जिनका हाई एंड गेमिंग पीसी है ना, मतलब 1-1.5 लाख वाला, उनके लिए तो भैया 1500 VA यूपीएस चलता है, जो मैं भी यूज करता हूँ सेम ब्रांड का ही। ये अराउंड अमेजोन पे 17,500-18,000 का बिकता है, बट हम ये दे रहे हैं 16,999 का, प्लस में आपकी 150-200 रुपये शिपिंग लगेगी। और ये है 600 VA का बिल्कुल बेसिक पीसी, इसके लिए जो 3200G 3400G या कोई छोटा मोटा ग्राफिक्स कार्ड है, ये है अराउंड 2650 रुपीस का। शिपिंग कॉस्ट अगर आप स्टोर से आगे ले लोगे तो नहीं लगेगी, अगर आप इंडिया में कहीं पर भी डिलीवर करवाओगे तो वो ऑटोमेटिक वेबसाइट पे ऐड हो जाएगी। इन दोनों का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मुझे नए वाले घर के लिए कुछ फोटो फ्रेम्स लगाने थे, तो इसलिए मैं नीचे वाली शॉप पे प्रिंट आउट करवाने आ गया, हमारा जो स्टोर है ना उससे जस्ट नीचे। मुझे नहीं पता था यहाँ पे कलर भी हो जाती है, बट हो गई है तो अच्छा है। ये देखो काफ़ी सारे अलग अलग करवाए हैं, कंट्रीज़ के भी करवाए हैं काफ़ी सारे, तो ये सब फ्रेम होंगे उसके बाद ज़्यादा अच्छे लगेंगे। फाइनली भाई का पीसी बिल्ड जो है वो रेडी हो गया है, कल रात को हो नहीं पाया था तो अब आज रवि भाई आए, उन्होंने कंप्लीट कर दिया पीसी सुबह सुबह, अराउंड 12 बज रहे हैं अभी। कितने बजे आए थे हम? 10:30 डेढ़ घंटे में कंप्लीट हो चुका है, बस अब इसको पैक करना है। ये तो गुड़गांव के ही है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। किसमें स्कूटी में ले जाओगे? हाँ जी। चलो, बाकी भाई ने कुछ एक्सेसरीज भी लिए जैसे कि मैंने बताया ही था। और भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल गेम सूट का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा अनमोल भाई से ही मिलकर, और मैंने सोचा नहीं था कि मेरा ड्रीम ऐसे पूरा होगा, ये सिर्फ अनमोल भाई की वजह से हो रहा है। चलो प्रिंट आउट सारे निकाल दिए हैं, काफ़ी लेट हो गया, ब्रूनो का खाना भी आया हुआ तो मैं अभी तो निकल रहा हूँ, दोपहर को वापस आना पड़ेगा अभी स्टोर, क्योंकि मुझे कुछ पीसीवीसी का सामान भी गाड़ी में ले जाना है। इतने रवि भाई बाकी के बिल्ड कंप्लीट कर देंगे, और इसके अलावा क्या लेकर जाना, बस ठीक है। 1 hour later कल ये भी डिलीवर हो गया फाइनली। जहाँ तक मुझे लग रहा है लॉकडाउन के हालात आने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा एक ट्रिमर मंगवा लिया जाए, घर पे ही अपना कम से कम बियर्ड तो ट्रिम कर सकता हूँ, और साथ ही साथ ब्रूनो के बाल भी इससे ट्रिम हो जाएंगे। तो आज सोच ही रहा हूँ यार, ब्रूनो के ना बहुत से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, इधर उधर गुच्छे गुच्छे घूमते रहते हैं। सफाई वाली वीडियो में परसों वाला ब्लॉग था, हाँ उसमें आपको दिखाया था कितने ज़्यादा बाल इकट्ठे हो गए थे वैक्यूम क्लीनर में, तो मैंने सोचा इसके ट्रिम कर देता हूँ। मेरे से हो गया जितना उतना ट्राई करेंगे, क्योंकि ये करवाता तो है नहीं, भागता फिरता है, तो देख लेते यार। ठीक है, पहले अनबॉक्सिंग करूँ इसकी, फिलिप्स का मंगवाया है, अगर करवा लिया इसने तो अच्छी बात है, नहीं करवाया तो फिर बाहर से ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी अभी आ गई है, अब इसको गर्मी भी बहुत लगती है, तो इसलिए बाल छोटे करवाने में ही समझदारी है। बस डब्बा दिख गया, उसके पीछे घूमते रहो, हैं इससे आज तेरे बाल उड़ेंगे बेटे, मजा आने वाला है आज, तो भग जाए यहाँ से। चल ये देखो, ये मंगवाई है, पूरी ग्रूमिंग किट है, इसमें काफ़ी सारे अटैचमेंट्स दे रखे हैं, और नोज एंड ईयर ट्रिमर भी है इसके अंदर, तो देखता हूँ ब्रूनो के लिए कौन सा करूँ। पूरे नहीं उड़ाने वाला मैं इसके बाल, तो कोई अटैचमेंट लगा के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो हिसाब से बैठेगा, ब्रूनो चुप यार, वो इसके कर दूंगा। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर करूँगा तो सारे बाल फैल जाएंगे, बालकनी में कर नहीं सकता क्योंकि भाई धूप इतनी हो रही है, बाहर गर्मी है। चलो अंदर ही कर देते हैं, वैक्यूम क्लीनर से साफ कर देंगे, कोई नहीं। अभी बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं थी इसलिए मैंने लगा दिया, और इतने सारे अटैचमेंट्स हैं इसके साथ, तो पहले मैं चार्ज होने देता हूँ, तब तक अपना खाना भी खा लेता हूँ। ब्रूनो को तो मैंने कब का दे दिया, बट मेरे घर से आलू के परांठे आए थे, वो मैंने अभी तक नहीं खाए। Later that same evening शाम के 6 बज गए हैं, मुझे 5 बजे अपनी बहन के घर जाना था, बट मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ,
तो फटाफट निकल रहा हूँ, और ये फोटो फ्रेम के लिए भी दे आऊंगा मैं पोस्टर जो मैंने प्रिंट करे है सारे। कुछ दिन पहले याद होगा मैं अपने राइडिंग गियर्स ड्राई क्लीनिंग के लिए देने गया था, तो उस बात को भी मेरे ख्याल 8-9 दिन हो चुके हैं, तो वो भी कलेक्ट करता आऊंगा वहीं से ही। फाइनली भाई सारा काम निपटा दिया है, मैं राइडिंग गियर्स भी ले आया हूँ, घर जाके दिखाता हूँ, मैंने शूट नहीं किया कुछ भी। और अभी हमारे साथ आए हैं ब्राउन मुंडे ये ईशु भी आई है, क्या खाने हैं गोलगप्पे? हाँ गोलगप्पे खाने हैं, पर यहाँ पे जगह तो कहीं मिलेगी नहीं लगाने की। वहाँ पे तो गोलगप्पे मिले नहीं, तो चाची और ईशु रस्ते में उतर गए थे क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी गाड़ी लगाने की, तो वो पैक करवा के घर ही ला रहे हैं। और ये रही ड्रेस, मेरी ड्रेस मतलब राइडिंग गियर्स बिल्कुल चमक गए, देखना ऐसे लग रहा है नए जैसे हो, सारे दाग वाग लगे हुए थे वो सब हट गए, और इसके जो इनर थे वो दूसरी थैली में है, और वो रह गए गाड़ी के अंदर ही। हैं भाई ब्राह्मण मुंडे बच्ची, इसकी कल है छुट्टी, संडे है क्योंकि, तो अब ये आज हमारे घर रुक रहा है। क्यों हर रोज तू हमारे घर आ जाता है इडियट फूल? वापस शनिवार है इसलिए, कल छुट्टी है ना, ये पता शनिवार है, वैसे बकवास करता रहता है पूरा दिन। पहले बोल दे ब्राउन मुंडे, हाँ फिर कराऊंगा पहले ब्राउन मुंडे, हाँ क्रेटा में ब्रूनो सब ले जाऊंगा, पहले ब्राउन मुंडे बोल दे। नौटंकी है, वैसे बोलता रहता है पूरा दिन, जब खुद से कह दो ना तो कभी नहीं, कभी भी नहीं, हाँ कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, इडियट फूल। एक बार व्लॉगिंग करेगा लेकर, यहाँ से पकड़, नीचे से, नीचे से, हाँ यहाँ से पकड़, ऐसे करते हैं, तोड़ दिया मेरा कैमरा। लो जी हमारे गोलगप्पे आ गए, ओए ओए होए, खोल खोल जल्दी बना फटाफट, भैया गोलगप्पे वाले भैया गोलगप्पे हिलाओ जल्दी, ऐसे जंगली लोग है ना, अभी पैकेट खुला नहीं झपटा मार दिया पहले ही। क्यों झपटा मार दिया? ऐसी गोलगप्पे सुनने के बिस्किट नहीं है, जो उठा के उड़ा लो फटाफट से कि बेच आएंगे पहले। सबसे पहले तो ये लड़की है, मैंने गोलगप्पा भी नहीं खाया, गोलगप्पा छोटा गोलगप्पे ने गोलगप्पे खा लिए, छोटे गोलगप्पे इधर आ, है नहीं छोटे गोलगप्पे हमारे, मैंने एक भी खाया नहीं है, बनाए सारे। नाम तो बताओ, इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन। माय नेम इज कावे जायसवाल। अंग्रेजी कैमरा देखते हैं अंग्रेजी है, वैसे तुम हिंदी में चपड़ चपड़ करते हो। मेरा नाम गिन्नी है। चलो जी इस वाले व्लॉग के लिए इतने रखते हैं। ब्रूनो का मैं खाना ले आया था, उसको खिला दिया है, वही दिक्कत आ रही है, खुद से खाता नहीं है, थोड़ा सा खा के छोड़ देता है, फिर बचा हुआ मुझे हाथ से ही खिलाना पड़ता है। और ट्रिमिंग करने का आज टाइम मिला नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कल सुबह सुबह इसको गैलरी में या मतलब बालकनी में ले जाके ही काट दूँ, क्योंकि दोपहर को गर्मी बहुत हो जाती है और अंदर काटने में बाल बहुत उड़ेंगे इधर उधर। वैसे तो वैक्यूम क्लीनर है, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, देखते हैं कल वाले ब्लॉग में करेंगे। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। Bye.